नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मासूम अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक में जो DCEC एलिटरल इंट्री होता है, जो कि ट्वेल्थ में जिसका ट्वेल्थ साइंस होता है, वो इस एग्ज़ाम को दे करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो DCEC का LE जो लेटर इंट्री है उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, आज हम DCEC के LE के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पर जो कि DCEC LE का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद IAS संघ भवन पटना निकट हवाई अड्डा के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो DCEC LE 2020 डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा पार्षदीय प्रवेश यानी कि जो LE लेटरल इंट्री। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि जो बिहार के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभियंत्रण डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा प्रतियोगिता परीक्षा यानी पार्षदिक प्रवेश 2020 में सम्मिलित होने के लिए ट्वेल्थ साइंस में उत्तीर्ण भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में तथा इसके साथ गणित या जीव विज्ञान में से कोई एक ट्वेल्थ साइंस में उत्तीर्ण वोकेशनल टेक्निकल विषय के साथ या 10th+ ITI यहाँ पर लिखा हुआ है 10th+ ITI 2 ईयर कोर्स है एप्रोप्रिएट यानी कि जो ITI हो लेकिन वो भी ITI कितना हो 2 साल का होना चाहिए ITI एप्रोप्रिएट ट्रेड के साथ होना चाहिए। उत्तीर्ण आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। इस परीक्षा हेतु वैसे अभ्यर्थी ही पात्रता प्राप्त हैं जो आवेदन भरने की तिथि तक संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें कुछ को कन्फ्यूजन होता है क्या, जो कि क्या जो इस बार ट्वेल्थ एग्जाम दिया है वो LE भर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ कर चुका है कि जो वो इस फॉर्म को वही भर सकता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस परीक्षा हेतु वैसे अभ्यर्थी ही पात्रता प्राप्त हैं जो आवेदन भरने की तिथि तक संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि जो ट्वेल्थ हो या ITI पास आउट हो चुका हो और उसका रिजल्ट क्लियर हो चुका हो। तो दोस्तों, आप इतना समझ चुके होंगे कि जो अपीयरिंग का यहाँ पर कोई ये नहीं है, अपीयरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 2 नंबर कॉलम में है, देखिए दोस्तों, डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी पार्षदिक प्रवेश लेटरल इंट्री प्रवेश 2020 दिनांक 2/5 को प्रस्तावित है, यानी कि जो 2 मई को जो है इसका एग्जाम डेट निर्धारित कर दिया है कि जो आपका एग्जाम जो है वो 2 मई को होगा। तो यहाँ पर और लिखा है BCECE बोर्ड को परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, यानी कि जो BCECE बोर्ड जो है परीक्षा में कोई भी सुधार या कुछ भी कर सकता है या डेट को बदल सकता है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि 18/3/2020 और अंतिम तिथि 11/4/2020 तक है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि स्टार्ट है यानी आज 18 को है और लास्ट है 11 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉलम नंबर 4 में है, पर्षद की वेबसाइट BCECEboard.bihar.gov.in पर DCECE LE 2020 की उपलब्ध विवरण पुस्तिका अभ्यर्थी के लिए योग्यता अर्हता संबंधी विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया या विशेष जानकारी के लिए विज्ञापन संख्या BCECE LE 2020-02 ये विज्ञापन संख्या है, दिनांक 17/3/2020 परिषद की वेबसाइट पर देखें, यानी कि 17/3 यानी कल के डेट में इसको डाला गया था और आज हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि जो ट्वेल्थ इंटर कर चुके हैं, इंटर में साइंस या ITI कर चुके हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक ताकि उसको भी फायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो देखने